मेष राशि, सलाह से नौकरी में बदलाव आप कर सकते हैं। मित्र की बात पर भरोसा जरूर करें। अपने भाग्य पर भी आपको भरोसा करना होगा। आज के लिए शुभ रंग है गेरुआ। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिए तो आपकी बिगड़ी बात बन जाएगी। वृषभ राशि, किसी की जिम्मेदारी आज आपको नहीं लेनी है। घर का बना खाना खाना है, बाहर के खान पान से बचिए, धन हानि से बचाव होगा। शुभ रंग है आज के लिए हरा। आज एक नारियल दान कर दीजिए, आपकी नौकरी व्यापार की समस्या खत्म होगी। मिथुन राशि की बात करते हैं। मित्रों, अपना वादा अवश्य निभाइएगा, अकारण विवाद से बचें, रुका धन आपको अचानक मिल जाएगा। शुभ रंग है आज के लिए आसमानी। उपाय क्या करना है, आपको शिव मंत्र का जाप जरूर करना है। कर्क राशि, संपत्ति के विवाद बढ़ सकते हैं, रिश्तों में तनाव बिल्कुल ना आने दें, लंबी यात्रा आज नहीं करनी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। उपाय क्या करना है, आज के दिन सफेद वस्त्र का दान उत्तम रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी वाणी पर आप संयम रखें, लंबी यात्रा का योग टाल दें तो आपके लिए बेहतर है। शाम तक आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, चिंता ना करिए। आज के लिए शुभ रंग है मरून। उपाय क्या करना है, आज शक्कर का दान जरूर करना है। बात करते हैं कन्या राशि की। समय का सदुपयोग करें, संपत्ति के मामले आज सफल हो जाएंगे, अपने घर समय से पहुंच जाए तो बेहतर है। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज गायत्री चालीसा का पाठ करिए, बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे और सेहत से जुड़ी हुई समस्या खत्म होगी। तुला राशि, पारिवारिक रिश्ते मधुर करने का प्रयास करें, थोड़ा जो तनातनी बनी हुई है उसको खत्म करिए, कार्य करने में कोई आलस ना करें, नौकरी में तरक्की का योग है। शुभ रंग है आज के लिए कत्थई। आज लक्ष्मी उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि, परिवार के कलह कलेश आज खत्म होंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। उपाय क्या करना है, आज क्लिंग मंत्र का 108 बार यदि जाप करेंगे तो हर कार्य में आने वाला विघ्न खत्म हो जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, इधर उधर की बातें जो है अपने मन में ना लाइए, अपना जरूरी सामान संभाल लीजिए, शेयर मार्केट से आज लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज पीतल के बर्तन का दान बहुत अच्छा रहेगा। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशिफल की। मकर राशि, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, महत्वपूर्ण कार्य में आपको सफलता मिलेगी, अपनों का सम्मान आज आपको जरूर करना है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। उपाय क्या करें, पीपल के वृक्ष की सेवा जरूर करें। कुंभ राशि, नौकरी में तरक्की का योग है, आज किसी से उलझिएगा नहीं, अपनों की सलाह आज आपको जरूर लेनी है। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज पक्षियों की सेवा जरूर करें। अगली राशि मीन राशि, शारीरिक समस्याएं आज खत्म होंगी, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना दिखाएं वाहन चलाने में, आज किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का योग बना हुआ है। शुभ रंग है पीला और आज मीठी वस्तु का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं उस अचूक महा उपाय की जो आपको मालामाल बना सकता है। देखिए, प्रदोष काल में एक मुट्ठी नाग केसर आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है और देवी पार्वती को लाल चूड़ी और थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है। ये छोटा सा उपाय आपकी हर समस्या का समाधान भी करेगा और आपके रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं उस अचूक महा उपाय की जो आपकी नौकरी व्यापार की तमाम समस्याओं को खत्म करेगा। क्या है वो महा उपाय, आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, एक लोटे में आपको तिल और जल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है, आज ही के दिन करके देखिए और वहां से थोड़ी सी मिट्टी का तिलक अपने माथे पर कर लीजिएगा, बिगड़े काम बनने लगेंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं उस चमत्कारिक महा उपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा कर सकता है।
देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी माताएं बहनें या कभी कभी पुरुष किचन में काम करते समय उनका हाथ कभी कभी जल जाता है और उस पर निशान छूट जाता है। तो भाई त्वचा पर जले हुए निशान को कम करने के लिए शुद्ध नारियल का तेल आप उस पर लगाइएगा और जब तक लगाइएगा जब तक यह निशान हल्का ना हो जाए। देखिए बहुत बार व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से घिर जाता है, उसे कुछ उपाय समझ नहीं आता, तो आज एक छोटा सा उपाय। एक मुट्ठी आपको सात अनाज लेना है, अपने मन की कामना को दोहराते हुए आप इसे बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपकी हर दुख परेशानी संकट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अतुल जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, और इनका प्रश्न अपने नौकरी के निमित्त। अतुल देखिए आपके जन्मांक अनुसार आपको बता दूं कि आपकी नौकरी लगने की संभावना अगस्त 2023 के बाद है। निश्चिंत रहिए, उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य की उपासना करिए, पिता से संबंधों को बेहतर बनाए रखिएगा, आने वाला समय आपके लिए बेहतर है।